हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है नायका हॉल की। जैसा कि हम सबको पता है, नायका पे हॉट पिंक सेल, हॉट पिंक ही नाम है ना, हाँ शायद हॉट पिंक ही नाम है, नायका पे हॉट पिंक सेल चल रही है। और मैंने ना कुछ कुछ सामान अपने लिए, कुछ रीस्टॉक है एक दो चीज़ें और कुछ एकदम नई नई ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश चीज़ें हैं जो कि मैं डेस्परेटली तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ जो कि मैं ट्राई करना चाहती थी। और इससे अच्छे ऑफ़र मिल ही नहीं सकते थे नायका पे, क्योंकि सेल उनकी बहुत सही रहती है। जब जब नायका सेल लगाते तब तो बहुत अच्छी सेल रहती है उनकी। तो चलो यार, जल्दी जल्दी से देखते हैं मेरी आज की सारी आइटम्स। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्ट। पहले स्टार्ट करेंगे रैंडम आइटम से, क्योंकि ऐसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में से बहुत सारा सामान नहीं लिया। तो जो जो मेरे हाथ में आता रहेगा हम वो देखते रहेंगे। सबसे पहले मैंने लिए थे ये वाले पाउडर पफ। वैसे तो ये इंस्टा पे काफ़ी टाइम पहले ट्रेंड किए थे, अब मैं इतनी ज़्यादा रील्स नहीं देखती इन पे, बट मेरे को तब से इनको ट्राई करने का मन था कि मैंने लिए मार्स कॉस्मेटिक्स से। वहाँ पे एक दो और ब्रांड्स हैं, बट मेरे को दो के पैक में ज़्यादा सही लगा कि ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे मेंशन करती रहूँगी कि मुझे किस प्राइस पे मिली है कौन सी आइटम्स। तो ये मार्स के हैं, कुछ ऐसी पैकेजिंग में आते हैं और ऐसे करके खुलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप अपनी फिंगर ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सॉफ्ट है। मैंने सच्ची बताऊँ इसको इसके कलर के लिए लिया है, कितना प्यारा पिंक है मैंने लिया है ये। मैं सबको बोलूँगी आप लोग पास कर सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है आप लोगों का लेना, क्योंकि नहीं अमेज़ॉन पे सस्ता मिल जाता है। बट अमेज़ॉन पे ना क्या था कि मेरे को कुछ रिव्यूज़ नहीं मिले थे कि ना कौन सी चीज़ कैसी होगी, सही होगी कि नहीं। और मुझे लगा नायका पे तो सही आएगा, बट ये थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड है। ये है गब का, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, ये हीटलेस हेयर कलर। इसमें आपको दो स्क्रंचीज़ मिलती हैं और ये ऐसा सा है। इसका कलर अच्छा है, सब अच्छा है, तो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है। वो तो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बट ये कुछ ऐसा सा दिखाई देता है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा नायका पे, तो इसलिए तो मैं रेकमेंड करूँगी आप लोग अमेज़ॉन से लो। सच्ची बताऊँ मुझे ज़्यादा इसलिए फील हो रहा है, इसमें ना क्लचर भी नहीं मिला, अमेज़ॉन पर क्लचर भी मिलता। मुझे ज़्यादा ना इसलिए फील हो रहा है क्योंकि ना मैंने ना वेस्ट साइड पर ना बाई चांस देख लिया कि ना वेस्ट साइड पर ना 250 रुपये मिल रहा है, मतलब अमेज़ॉन से भी सस्ता मिल रहा है वेस्ट साइड पर। और वहाँ क्लचर भी मिल रहा है, कलर भी बहुत है, लेवेंडर है। तो अगर आप लोग वेस्ट साइड विजिट करें तो आप वेस्ट साइड से जाके ले सकते हैं ये हीटलेस हेयर कलर। बट अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है। उसके बाद है जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं करके देखा, ये है पैक का कौन सा ब्रश है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि ये कौन सा ब्रश नंबर है। ब्रश कंसीलर ब्रश 219 है ये। बेसिकली मैंने कंसीलर लगाने के लिए ही लिया है ब्रश, बट जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। जो ब्रश है ना हमारा कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है पैक 219। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट हाँ अभी तो ये पिचक गया है पैकेट में पड़े पड़े, बट आई थिंक ये पूरा ऐसा सा होना चाहिए था जो कि आप इजीली अपने कंसीलर में नहीं, जो कि आप इजीली अपना कंसीलर लगा सके। बाकी काफ़ी ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सॉफ्ट ब्रिसल्स है इसके। ऐसा मेरे पास कोई मेकअप ब्रश नहीं है, शायद तभी इतना महंगा है। मैंने लिया है वो है मार्स की मेकअप रिमूवर वाइप्स। ठीक है, मतलब मुझे ना कोई बहुत ही सस्ती मेकअप रिमूवर वाइप्स चाहिए थे, और ये बहुत ही सस्ती है। 109 इसका MRP है, बट शायद मैंने डिस्काउंट में ही लिया होगा। और इसमें आपको 30 वाइप्स मिलती हैं। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ वाइप्स, तो मैंने इसलिए सस्ती इसलिए कि बहुत कभी कभी जब यूज़ करनी हो तब मैं ये यूज़ कर लूँ। तो ये है मेरी नेक्स्ट आइटम। चलते हैं हम रीस्टॉक में क्या, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने अपनी मम्मी के लिए भी ऑर्डर कर लिया है। डॉट एन की का हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश, ये मुझे बहुत सही लगता है, बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है ये ब्लू वाला वेरिएंट। नहीं, ये मैंने अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये ब्लू वाले वेरिएंट में डॉट इन की का मॉइस्चराइज़र। बट देखो मेरे पास पहले ये था, इसका कलर डिफरेंट है और इन्हें थोड़ी आई ही पिचकी हुई है, पता नहीं क्यों। अब मुझे नहीं पता कि ये असली है नकली है, या फिर उन्होंने पैकेजिंग थोड़ी चेंज कर दी है, क्या है। तो बस मेरे को आप लोगों को दिखाना था कि दोनों अलग अलग है। ये सस्ती है और मुझे काफ़ी सही लगती है, बहुत लाइट इसका टेक्सचर है, फील नहीं होता हैवी अपनी स्किन पे कुछ लगाया हुआ हो जैसे। ये है पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल, बहुत अच्छी क्रीम है। ये देखो एकदम ही ऐसे ना ट्रांसपेरेंसी है, बहुत अच्छा इसका वो है कंसिस्टेंसी, और बहुत लाइट वेट है, सी ब्लेंड भी हो गई आइटम है। मेरा ना एक्चुअली सनस्क्रीन ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने ना इस बार डॉट एन की लिए, क्योंकि मेरा डॉट एन की के साथ फिलहाल एक्सपीरियंस सही चल रहा है। पहले मैं यूज़ करती थी एक्वालॉजिका की, बट अभी मैंने डॉट एन की ली है क्योंकि मुझे आईज़ पे थोड़ा चेक करना है कि इसमें बर्निंग सेंसेशन होती नहीं होती, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी बहुत ही होती है। तो ये विटामिन सी वाली है, इसका टेक्स्चर भी ना काफ़ी ज़्यादा ना लाइट है, थोड़ा पानी जैसा बोलूँगी मैं, ऐसा इसका टेक्स्चर है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और वाइट कास्ट भी बिल्कुल नहीं है, और ये भी बहुत ईजिली जल्दी से ब्लेंड हो जाता है स्किन में। लिया था लोशन, बॉडी लोशन, ये है विश केयर का सनस्क्रीन बॉडी लोशन, क्योंकि मुझे सनस्क्रीन वाला बॉडी लोशन चाहिए था। बट इसमें ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग नहीं, बट हाँ इसमें थोड़ी सी सेंट है, ऐसा नहीं है कि एकदम सेंट फ्री है, बट आई डोंट माइंड क्योंकि अच्छी ही सेंट है इसकी। ऐसा इसका टेक्सचर है, इसको भी ना थोड़ा सा मलना पड़ता है तो जाके समाता है आपकी बॉडी में। हाँ लाइट वेट बोलूँगी मैं इसको, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं बोलूँगी, सही है। अभी मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया बट ओवरऑल एक्सपीरियंस फिलहाल तक के लिए मेरा सही है। उसके बाद मैंने विश किया से एक और चीज़ ली थी, आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लुएंसर्स। पता नहीं कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा, वो तो यूज़ करने में पता चलेगा। मैंने सिर्फ एक दो दिन हुए हैं इसको यूज़ करते हुए। ये है विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट। ऐसी इसकी होती है क्या बोलते हैं छड़ी सी, बस इसको ऐसे स्प्रे करना है। बहुत लाइट पार्टिकल्स है इसके, वाटर लाइक टेक्सचर है, थोड़ा सा वाटर से गाढ़ा है क्योंकि सीरम है, बट काफ़ी लाइट इसका टेक्सचर है। मैंने अपनी स्किन में क्यों मल लिया इसको, नहीं यार इसको छोड़ा, थोड़ी चाहिए, सीरम ही तो है। ठीक है आपको क्या करना है, जैसा मेरे को जहाँ तक समझ आया अपने बालों में आप स्प्रे करना है, जहाँ जहाँ आपको क्या बोलते हैं यार पंजाबी में तो चीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं मांग नहीं, जो भी है जो भी आपके ये है ना, यहाँ पे आप लोगों को स्प्रे करना है और अच्छे से मल देना है। क्या बोलते हैं आप, मेरे को चुल मछली है इसमें लिखा होगा इंग्लिश में तो, एटलीस्ट स्कैल्प, इसमें तो सिर्फ स्कैल्प लिखा है। अपनी स्कैल्प पे ऐसे और थोड़ा सा मसाज कर देना है, बाकी तो देखो यूज़ करने भी पता चलेगा क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव है, पता नहीं काम करेगा भी कि नहीं करेगा। ये नाइका का बॉडी लोशन लव स्ट्रक, इसकी खुशबू ओ माई गॉड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैंने लिया नहीं है, मुझे फ्री मिला है, आई जस्ट लव इट सो मच। इसकी खुशबू मतलब मैं इस बता ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका भी टेक्सचर ठीक है, अच्छा है, बट खुशबू ओ गॉड बहुत अच्छी है। स्ट्रक इसका नाम है, मुझे भी लव हो गया इससे। ठीक है अब चलते हैं हम थोड़ा बहुत मेकअप के ऊपर। मेकअप में बेसिकली मेरे पास सबसे पहले आई शेडो ही है, मेरे को ये वाला शेड लेना था, ये है स्विस ब्यूटी का 2-in-1 डुओ आई शेडो। ये एक साइड इसमें ब्लैक मिल जाएगी आपको, मैंने इसको इस वजह से नहीं लिया क्योंकि ब्लैक तो यार काजल से आप लोग इजीली लगा सकते हो, किसी भी चीज़ से लगा सकते हो। मैंने इसको लिया इस वाले शेड के लिए क्योंकि मुझे ना इजी लगती है ये यूज़ करनी, और मुझे था कि मुझे सिल्वर कलर में ना है नहीं कोई ऐसा। देखो सुंदर सा सिल्वर कलर है ये और मुझे बहुत अच्छा लगा, इजीली ग्लाइड ऑन हो जाती है बहुत, इसका स्मूथ टेक्स्चर है। और मुझे थोड़ी आई शेडो लगाने में दिक्कत होती है मतलब आलस आता है, तो इसलिए मैं ऐसी ही आई शेडोज़ प्रेफर करती हूँ जो इजीली लग जाए। अभी मैंने ये नहीं लगाई हुई, अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने कौन सी लगाई हुई है। इनसाइड का हाइलाइटर क्योंकि सस्ता था और मेरे पास कोई भी क्रीम वाला नहीं था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं जब थोड़ा नेचुरल लुक चाहिए हो। इस शेड का नाम है मरमेड स्केल्स और ऐसा सा ये कुछ दिखाई देता है शेड, बस ब्लेंड भी हो गया। ठीक है बाकी मैंने भी यूज़ नहीं किया, वो बाद में पता चलेगा, मरमेड्स के लिए इसका नाम है। इसके बाद मैंने लिए थे ये मार्स की हाइलाइटर पैलेट। सच्ची बताऊँ मैंने हाइलाइटर के लिए नहीं लिया, आजकल मुझे बहुत सा आ रहा है आई शेडो लगाने का, और मैंने बताया ना मुझे इजी तरीका काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसको भी क्या यार ऐसे ऐसे करके ब्लेंड ब्लेंड जो भी कहते हैं ऐसे नहीं करना पड़ेगा, मैंने तो सोचा क्योंकि इसके ना कलर शेड्स मुझे बहुत अच्छे लगे। और ऐसे इतने सारे क्या हाइलाइटर भी लगी जाएगा, ऑब्वियसली हाइलाइटर पैलेट है, बट मैं इसको ऐसा आई शेडो लगाने वाली हूँ ये तो बहुत पक्की बात है। ये देखो यार ये वाला शेड कितना सुंदर है, वाओ। ऐसे यार बस इजीली इसको ऐसे लो, ऐसे मलो और अपनी उस पर लगा लो आई लिड पे, वाओ। ये सारे इसके शेड्स हैं, बहुत प्यारे शेड्स हैं। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, मैंने वेरिएंट नंबर 1 लिया है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला शेड, तो ये रहा हमारा हाइलाइटर पैलेट। बाय द वे इफ यू गाइस आर वंडरिंग कि मैंने आज कौन सी आई शेडो लगाई हुई है, अभी दिखाती हूँ। आई एम जस्ट इन लव, मेरे पास पहले भी 2 शेड्स हैं इनके, इसलिए मैंने 3 और शेड्स लिए, हालांकि वो 2 शेड डिसकंटिन्यू हो गए क्योंकि उनका नाम कहीं नहीं दिखता है अब। ठीक है तो ये है पिगमेंट प्ले के लूज पिगमेंट पाउडर, ऐसी इसकी पैकेजिंग आती है। भाई अपने कपड़े वपड़े संभाल के ज़रा, ऐसी इसकी डिब्बी आती है। देखो ये शेड ही कैसा सा लग रहा है ना, बात पता है क्या, ये ना डुओ क्रोम है, इसमें आप ऐसे देखोगे दूसरा कलर आएगा, ऐसे देखोगे दूसरा कलर आएगा, जैसे इसमें सिल्वर और ब्लू डोमिनेंट है इस शेड में। आप कहाँ जहाँ जहाँ आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती रहेंगी ना शेड्स चेंज होते रहेंगे। तो पहला शेड है मेरे पास ये वाला गैलेक्सी, जो कि मैंने अभी लगाया हुआ है अपनी आईलिड्स के ऊपर। अ लिटल गोज़ अ लॉन्ग वे, थोड़ा सा ही लेना आपके आई शेडो पर बुरा चल जाएगा। रिकमेंड करूँगी, हालांकि मैं खुद हमेशा भूल जाती हूँ कि ना पहले आई शेडो लगाना, क्योंकि इसमें फॉल आउट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा गिरती है ये, क्योंकि ये छोटे 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 पाउडर वाले पार्टिकल्स है तो ये गिरते ही है लगाते हुए। तो पहले आई शेडो लगाना, उसके बाद अपना कंसीलर या बेस सेट करना, वरना मेरे जैसे ना यहाँ पे पूरा फैल जाएगा। पता नहीं भाई कैमरे में इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट ध्यान से। है मेरा पहला शेड गैलेक्स वाइट गोल्ड, मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि ना मुझे एक ऐसा सा आई शेडो शेड चाहिए था जो कि ना हमारा इंडियन वेयर फेस्टिव वेयर में चल जाए या फिर वैसे भी चल जाए, जो बहुत प्यारा सा ना
बहुत सारा आ गया, मिनिमल सा गोल्डन हो, ग्रीन का भी थोड़ा सा हिंट दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं अपना हाथ ऐसे ऐसे वो करूँ तो आपको थोड़ा सा ग्रीन और गोल्डन दिख रहा होगा। इसमें रहा मेरा पिंक स्टार्स, देखो इसमें थोड़ा सा पिंक और सिल्वर का हिंट आ रहा है। आप लोगों को भी ऐसे शिमरी जो कि एक स्वाइप में लग जाए, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और लोगों को लगे कि आपने दो तीन आई शेडोज ब्लेंड करी है, क्योंकि ये डुओक्रोम है, तो आप डेफिनेटली इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये, और एक शीशी आपकी बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि भाई बहुत थोड़ा सा लगता है और शीशी में बहुत सारा होता है, तो दिखने में हालांकि छोटी सी ये शीशी है बट बहुत लंबी चलने। तो ये थी मेरी आज की सारी आइटम्स, और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की सारी आइटम्स पसंद आई होंगी, क्योंकि जेन्युइनली मुझे सबके सब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसा कुछ खास मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई हूँ किसी से, सिवाय हीटलेस कलर के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा लगा मुझे। तो बस यार, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई विल मिस यू ऑल। ओके बाय।